हेलो एंड वेलकम टू प्रेप आईएएस। आज के हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। ये है टॉपिक वाइज ब्रेकअप ऑफ द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस न्यूज़ एनालिसिस। तो GS1 में हमारे पास है साहित्य अकेडमी अवार्ड्स, तो इसको हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा एडिशनल रीड करेंगे। अब आते हैं GS2। काफ़ी एग्जॉस्टिव है आज, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो फ्रंट पेज में एक आर्टिकल था दैट यूनियन मिनिस्टर वॉज एक्चुअली अरेस्टेड। यूनियन मिनिस्टर सेंटर में आपको पता होगा BJP पार्टी इज देयर, राइट? सो अरेस्ट कर लिया गया बाय महाराष्ट्र विच इज़ फ्रॉम द ऑपोजिशन कैंप, तो कांग्रेस और शिवसेना। तो अब बड़ा इशू हो गया यहाँ पे। सो वन इशू इज़ अबाउट द सेंटर स्टेट रिलेशंस, राइट? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उस पर एक टॉपिक आ सकता है, एक थीम बन सकती है। एंड दूसरा इशू है अबाउट द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ एन MP। तो BJP पॉलिटिकल पार्टी है, वो बोल रही है कि इनका पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ब्रीच हुआ है बाय अ स्टेट गवर्नमेंट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थीम अगेन है फॉर मेंस। नेक्स्ट आता है अबाउट द टॉपिक ऑफ रिजर्वेशन। सो यू नो सुप्रीम कोर्ट में एक हरियाणा ने एक लॉ पास किया है, एक ऑर्डर पास किया है अबाउट द क्रीमी लेयर। और वो बोल रहे हैं कि क्रीमी लेयर जो होती है, मतलब पीपल हु डू नॉट नीड रिजर्वेशन, इवन दो दे आर फ्रॉम अ बैकवर्ड कम्युनिटी, पर उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे ऐसा बोल दिया कि यह क्रीमी लेयर होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है। अच्छा, ऐसे टॉपिक्स जो होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे आगे भी रिजर्वेशन के डिबेट्स आते रहेंगे, कोई ना कोई कम्युनिटी कभी ना कभी प्रोटेस्ट करेगी। तो ऐसे केसेस को आपको फॉलो करना चाहिए, एंड इफ़ पॉसिबल यू शुड एक्चुअली मेक ई नोट्स ऑन दैट। तो ये आपको करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट इज़ अबाउट लोकल न्यूज़ अबाउट दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली की लोकल न्यूज़ है। ये लोकल न्यूज़ होती है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। हम लोग हमेशा नेशनल और इस पर फोकस करते हैं, पर इश्यूज़ जो होते हैं, जो मेन इश्यूज़ ऑफ गवर्नेंस पर्टिकुलरली, वो आपको लोकल पेपर्स में मिलेंगे। तो एक था अबाउट आपने कभी शायद RTO में कभी गए होंगे आप, लाइसेंस के काम के लिए या ड्राइविंग टेस्ट के लिए। तो कभी हैरेसमेंट होती है वहाँ पे, लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन कभी कभी ये भी होता है, तो गलत गलत काम होता है। तो ये बोल रहे हैं जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं दैट दे आर गोइंग टू गो फेसलेस। फेसलेस का मतलब हो गया दे आर गोइंग टू मूव टू ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस पे प्रायोरिटाइज करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू लुक इनटू द इशू ऑफ ई गवर्नेंस, और थोड़ा और देखेंगे कि क्या क्या स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए। और मैंने आपके लिए एक मेंस के लिए क्वेश्चन फ्रेम करके रखा है। अब नेक्स्ट है अबाउट द वेकेंट सीट्स जस्टिस डिलेड। उसने सुना होगा सनी देओल का इकोनिक तारीख पे तारीख है ना। तो वेकेंट सीट्स इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस, स्पेशली हायर जुडिशरी के अंदर। हायर जुडिशरी का मतलब हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो उसमें वैकेंसीज बढ़ रही है, तो इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। नेक्स्ट आता है अबाउट द इशू ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में क्या इशू है आप बताइए कमेंट सेक्शन में, राइट? तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कॉल किया और कहते हैं कि हमको कलेक्टिवली काम करना चाहिए ऑन इशू ऑफ अफगानिस्तान। अच्छा, अब जब हम इंडिया और रशिया की बात करते हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमेशा होती है डिफेंस डील्स। सो वी आर नेगोशिएटिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट द S-400 एयर डिफेंस डील विद रशिया। अब जनरल स्टडीज 3 में आते हैं। तो तमिलनाडु जो स्टेट है, उन्होंने एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम इंट्रोड्यूस करी है। अब ये थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, बिकॉज यू नो एज सच स्कीम का कोई नाम नहीं है अभी तक उसमें, एटलीस्ट नॉट इन द पेपर, मेरे को मिला नहीं इसका। पर आप सोचो ना कि अर्बनाइजेशन, इंडिया इज़ गोइंग टू बी अर्बनाइज, मोर एंड मोर पीपल आर मूविंग टू अर्बन। अगर एक स्टेट को ज़रूरत लगी ऑफ हैविंग समथिंग फॉर अर्बन पॉपुलेशन, दैट मीन्स कंट्री को एक पॉलिसी बनानी चाहिए, राइट? सिर्फ स्टेट, पूरे कंट्री में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। तो हमको और फोकस रखना चाहिए ऑन द इशू ऑफ अर्बन पुअर, अर्बन वेलफेयर। तो ये मेरे को एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा फॉर जनरल स्टडीज 3।
अब नेक्स्ट आते हैं द अगली फेस ऑफ अ क्राइम फाइटिंग मूव। क्या है ये पता है क्राइम फाइटिंग मूव? बेसिकली जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है ऑन ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। नाम से पता लग गया, फेशियल रिकॉग्निशन आपके मोबाइल फ़ोन में जब आप फ़ोन को देखते हो अनलॉक करने के लिए, वो एक एग्जांपल है। तो इमेजिन करो हर जगह सीसीटीवी आजकल हर जगह लग रहे हैं, हाँ, तो वो ऑटोमेशन फेशियल रिकॉग्निशन होगा उससे। तो इसके प्रोस एंड कॉन्स एक डिटेल्ड एनालिसिस था इन द ओपिनियन सेक्शन। तो ये टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे इन टुडेज वीडियो। अब आते हैं अबाउट द कॉन्ट्रोवर्सी दैट इज टेकिंग प्लेस इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सो जो महाराष्ट्र से ही एक्चुअली यूनियन मिनिस्टर है, उनका नाम है नारायण राणे। तो उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को याद नहीं है कि इंडिया की इंडिपेंडेंस का ईयर कौन सा है, कोई शायद कोई गलती बोल दी थी उन्होंने। तो उन अगर ऐसा कोई करता तो उनको थप्पड़ लगा देते, तो वो चीफ मिनिस्टर को जोर से चाटा लगाते हैं, ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला। अब ये है सेंटर के, ठीक है, सेंटर में बीजेपी और इनकी आजकल बन नहीं रही है। तो इन्होंने क्या किया है, जो स्टेट के अंदर आती है पुलिस, तो पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया यूनियन मिनिस्टर को ऑन द चार्जेस ऑफ सेक्शन 153 ऑफ द आईपीसी सेक्शन 505। 153 का मतलब है प्रोवोकेटिव विद इंटेंट टू कॉज रायट, तो रायटिंग के लिए, और सेक्शन 505 स्टेटमेंट्स कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचीफ। तो उन ग्राउंड्स पे इनको अरेस्ट कर दिया गया। अब बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि इट इज़ अंडरमाइनिंग द डेमोक्रेसी, और वो ये भी बात कर रहे हैं दैट दिस इज़ अ ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। अब आप सोचो पार्लियामेंट्री कहाँ से आ गई, पार्लियामेंट यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर है, अगर आपको पॉलिटी में पढ़ा हो तो दे हैव टू बी अ मिनिस्टर एट द एंड ऑफ इट, ही हैज़ टू बी अ मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेज आते हैं, कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। सो ही इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा ओवर हियर, एंड बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ एमपी ही हैज सर्टेन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ठीक है। तो वन ऑफ द प्रिविलेज इज दैट एमपी कैन नॉट बी अरेस्टेड, एक प्रिविलेज है, नॉट रियली ही कैन बी अरेस्टेड, बट माना जाता है कि ही कैन नॉट बी अरेस्टेड। तो हम देखेंगे कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है और इससे एसोसिएटेड थीम्स मेंस के लिए, एंड द इम्पैक्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशंस, आई थिंक यू कैन, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल एक्चुअली, कि आप देख सकते हो कि सेंट्रल मिनिस्टर और स्टेट, राइट, स्टेट के बीच में एक फ्रिक्शन चल रही है। सो वन ऑफ द केस इन पॉइंट्स वेयर स्टेट मशीनरी इज बीइंग यूज्ड टू अरेस्ट एन मिनिस्टर। सो इट शोज दैट वी आर हैविंग अ टेंशंस, एंड हमारा जो टॉपिक है पॉलिटी के अंदर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उसमें ये अप्लाई किया जा सकता है। अच्छा, अब देखते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते क्या है। अब देखो, नाम है प्रिविलेज, प्रिविलेज का क्या मतलब होता है, कुछ स्पेशल आपको दिया हुआ है ना। तो प्रिविलेजेस आर सर्टेन राइट्स एंड इम्यूनिटीज एंजॉयड बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, ठीक है, एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम अपना पार्लियामेंट के लेवल पे, इट इज़ कमिंग फ्रॉम आर्टिकल 105, और स्टेट के लेवल पे इट इज़ कमिंग एट 194। अब यहाँ पे एक और एक थीम बन जाती है कि इन्होंने ये तो बोल दिया कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होंगे, पर इन्होंने डिफाइन नहीं किया कि कितने प्रिविलेज होंगे, कितनी राइट्स एंड इम्यूनिटीज होंगी। सो दैट वॉज फॉर द पार्लियामेंट टू डिसाइड, ठीक है। पार्लियामेंट का काम था कि वो एक लॉ बनाते और डिफाइन करते कि प्रिविलेजेस उनके क्या है। तो एक टॉपिक बन जाता है दैट द नीड टू कोडिफाई, टू नीड टू डॉक्यूमेंट या सेट लिमिट्स टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दिस इज नॉट द ओनली केस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ये आता रहता है। एक बार एक शिवसेना का एमपी था, तो एयर इंडिया के फ्लाइट में था और उसने पीटना शुरू कर दिया एयर इंडिया के एम्प्लॉय को, अरेस्ट नहीं किया पुलिस ने। वो बोलते हैं कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, टेक्निकली था नहीं, बट वो सब बोल दिया। तो एक तो यहाँ से आता है, फिर कुछ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स है जो लोकसभा राज्यसभा के हैं, वहाँ से भी आते हैं। अब जो प्रिविलेज आपको प्रोवाइड करता है, दैट प्रोवाइड्स यू फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप
इंडिया सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हमारी कंट्री में सबको है, बट गिवन दैट पर्सन इज एन एमपी, ही रिप्रेजेंट्स द पीपल, राइट? ही हैज अ स्पेशल पावर इन दैट रिगार्ड, सो दैट ही कैन विदाउट एनी फेयर ही कैन ब्रिंग आउट द इशूज, वो पब्लिक को या लोगों को जागरूक कर सके. और इस केस में उसको एक स्पेशल प्रिविलेज है कि नो मेंबर कैन बी टेकन टू टास्क एनीवेयर आउटसाइड द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस और कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर एक्सप्रेसिंग हिज और हर व्यूज इन द हाउस एंड इट्स कमिटीज. तो हाउस में, लोकसभा राज्यसभा में या उसकी कमिटीज में वो बोल सकते हैं, उस पर एक्शन नहीं लिया जा सकता. ये एक स्पेशल राइट दिया गया है. दूसरी बात है फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट. इसकी बात कर रहे हैं जो जो MPs वगैरह है BJP स्पेशली, कि आपने उनको अरेस्ट नहीं कर सकते थे. पर देखो, ये अरेस्ट की जो प्रोटेक्शन है दैट इज ओनली फॉर सिविल केस, राइट? शैल बी अरेस्टेड, इट इज अंडरस्टूड दैट नो मेंबर शैल बी अरेस्टेड इन अ सिविल केस बिफोर एंड आफ्टर द एडजॉर्नमेंट ऑफ द हाउस. सो इट इज ओनली फॉर दिस रिगार्ड. बट ये जो केस है ये है क्रिमिनल केस. तो क्रिमिनल केस और सिविल केस में बहुत फर्क होता है, तो क्रिमिनल केस के लिए प्रोटेक्शन नहीं है. एंड अदर थिंग इज दैट ही इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अटेंडेंस एज विटनेस, मतलब कोर्ट में जाने की उनको जरूरत नहीं है एज अ विटनेस. फिर कलेक्टिवली ऑल्सो दिस इंस्टीट्यूशन हैज सर्टेन प्रिविलेजेस सच एज राइट टू पब्लिश डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स, राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स, राइट टू पनिश मेंबर्स एंड आउटसाइडर्स फॉर ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेजेस एंड राइट टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द हाउस. तो ये सब था अबाउट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. अब नेक्स्ट आते हैं द इशू ऑफ रिजर्वेशन. आई सिंसियरली बिलीव, यू नो आई बिलीव दिस, दैट आपको इस पर नोट्स, पर्सनल नोट्स ही बनाने चाहिए, रेफरेंस के लिए बहुत हेल्प करता है और ये टॉपिक्स बहुत क्लैरिटी देंगे व्हेन यू राइट योर आंसर राइटिंग. अच्छा, आते हैं वापस टॉपिक पे. सो यहाँ पे लिखा ही हुआ है क्लियरली, इकोनॉमिक क्राइटेरिया नॉट सोल बेसिस फॉर क्रिमिलियर. अब पिक्टोरियली एक बार इसको समझ लेते हैं. मान लो ये पूरा कम्युनिटी है, ये पूरा कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? अब कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो ज़्यादा बैकवर्ड्स हैं, जो उनको डिप्रेस क्लासेस कह रहे हैं, राइट? SC शेड्यूल कास्ट. देन वी हैव रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल ट्राइब. और फिर मंडल कमीशन एक बैठी थी, उन्होंने कहा कि काफ़ी सारी ट्राइब्स, काफ़ी सारे ग्रुप्स है, कास्ट है, जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला गया है. तो फिर उनके लिए एक अलग रिजर्वेशन बना ली गई जिसको, और उनका नाम रख लिया गया अदर बैकवर्ड क्लासेस, OBC. अच्छा, OBC हुआ और रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया. तो इस केस में इसको चैलेंज किया गया, इन द इंदिरा सानी जजमेंट, ठीक है? इंदिरा सानी में इसको चैलेंज किया गया. तो इंदिरा सानी जजमेंट में इसको चैलेंज किया गया और उन्होंने कैप लगा दी ऑफ 50%. तो मतलब सिर्फ 50% लोगों को रिजर्वेशन मिलेगी, बाकी कम्युनिटी के लिए, उसको जनरल कम्युनिटी, उसमें रिजर्वेशन नहीं होगी. तो ये था इंदिरा सानी जजमेंट. और उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि जो OBC कम्युनिटी है इसमें सबको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, स्पेशली जो लोग क्रीमी लेयर से है. क्रीमी लेयर आप समझ रहे हो, दूध के ऊपर आपका ग्लास है, दूध के ऊपर जो क्रीम होती है. तो प्रिविलेज्ड, जो ऊपर आ चुके हैं, तो उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है. दे आर एडवांस सोशली एज वेल एज इकोनॉमिकली. तो ये बताया गया था वहाँ पे. तो ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया था इन द इंदिरा सानी जजमेंट विच प्लेस द कैप ऑफ 50% रिजर्वेशन. So not everyone in OBC would be entitled to reservation. Excluded group are known as creamy layer. अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ है in this particular scenario? हरियाणा ने एक लॉ पास किया known as हरियाणा backward classes reservation in services and admissions in educational institutions. तो उन्होंने कहा इस लॉ के हेड कि जिन लोगों की इनकम या हाउस होल्ड की इनकम 6 लाख रुपए से ऊपर है एनुअल इनकम,
तो उनको क्रीमी लेयर माना जाएगा, उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। अब इस केस में हमें क्लासिफाई एक डिस्टिंक्शन करना ज़रूरी है कि एक तो होता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट, ठीक है, एक होता है सोशल एस्पेक्ट। कुछ लोग इकोनॉमिकली बेटर हो सकते हैं पर सोशली दे में बी स्टिल कंसिडर्ड बैकवर्ड्स। आप इमेजिन करो, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूँ, क्लास ऑफ अनटचेबल्स, हो सकता है कि वो एक जमादार का काम करता हो एंड ही इज अर्निंग मोर देन दी अदर पीपल एज अ जनरल कम्युनिटी, तो हुज इकोनॉमिक इनकम इज मोर बट देन सोशल स्टेटस इज लोअर। दिस इज वन एक्सट्रीम सिचुएशन, क्योंकि ओबीसी इज नॉट अनटचेबल, ठीक है। तो ये आपको एक एक्सट्रीम केस दिया था यहाँ पे जस्ट टू एक्सप्लेन। तो बोलते हैं कि सोशल एडवांसमेंट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स अलॉन्ग साइड इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक सोशल एंड इकोनॉमिक है, यहाँ पे दोनों कंडीशंस इम्पॉर्टेंट है। और सोशल एडवांसमेंट कैसे है, मतलब हायर एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज, ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है उनको, ठीक है। सो ये है, फिर IAS IPS सर्विसेज, अब या गवर्नमेंट सर्विसेज में हायर एम्प्लॉयमेंट, तो ये सब फैक्टर्स उन्होंने बोले हैं दैट दे आर एट अ बेटर प्लेस। तो ये कंडीशन इन्होंने रखी थी यहाँ पे। अब आते हैं द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु हैज़ लॉन्च्ड 100 crore अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द रंगराजन कमिटी हु वॉज अ फॉर्मर गवर्नर ऑफ द RBI। अच्छा, अब दिस स्कीम ऑफ अर्बन एम्प्लॉयमेंट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, तो नरेगा। और ये है क्या, अनस्किल्ड लेबर वर्क, ठीक है, मैनुअल वर्क करना होता है। आप ये इमेज में भी देख लो, राइट, जो मैनुअल वर्क करने के लिए हूएवर इज विलिंग, उसको एक राइट है दैट ही कैन क्लेम वर्क फ्रॉम द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट पे जाके काम मांग सकता है। अब ये बोल रहे हैं कि अर्बन पुअर, तमिलनाडु में पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, तो वो कह रहे हैं दैट अर्बनाइजेशन विल बी रीचिंग 60% बाय 2036। तो 60% बढ़ जाएगी, तो हमें अर्बन पुअर पे फोकस करना चाहिए। तो इस स्कीम का नाम है कलाई नगर अर्बन डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे कि अगर तमिलनाडु में ऐसा लग रहा है तो क्या इंडिया में अर्बनाइजेशन फास्ट नहीं हो रहा है, तो इंडिया में भी ज़रूरत है हमें हैविंग अ पॉलिसी, राइट। ऐसा कहा जा रहा है, इनफैक्ट मिनिस्टर या हमारे जो हाउसिंग अफेयर्स के मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्पीच में कहा था दैट अर्बनाइजेशन विल डबल बाय 2050। तो अर्बनाइजेशन डबल होगा, मतलब रूरल से लोग रूरल से अर्बनाइजेशन जा रहे हैं, द नेचर ऑफ इकॉनमी इज़ ऑल्सो चेंजिंग, एग्रीकल्चर से अर्बन लाइफस्टाइल, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में काम करेंगे। सो वी आर गोइंग टू विटनेस मोर अनएम्प्लॉयमेंट, वी आर गोइंग टू विटनेस प्रॉब्लम्स ऑफ हाउसिंग, ठीक है, हमें हाउसिंग के लिए फोकस करना पड़ेगा, हमें प्रोविजन करना पड़ेगा, हमें एडुकेशन के लिए और अदर एम्यूनिटीज। अच्छा, दूसरी बात हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं तो क्वालिटी भी कोई चीज़ होती है। आप कुछ कुछ जगह में जाओ, ठीक है, अंदर अंदर शहरों में आप देखोगे कि नालियाँ भी नहीं है प्रॉपर, बस किसी ने कहीं पे भी घर बना दिया है, कोई भी रोड चल रही है, कोई जैसे मर्जी काम कर रहा है, राइट। तो ये ऐसा तब होता है व्हेन म्युनिसिपैलिटीज़ आर नॉट देयर, एक अर्बन गवर्नेंस बॉडी इज़ नॉट देयर, दैट प्लानिंग एंड एक्सपर्टीज इज़ नॉट देयर। सम सिटीज़ इन इंडिया कितना अच्छा सेटअप है, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, बहुत अच्छा सेटअप है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेज, राइट। सो वी नीड टू फोकस ऑन दैट एस्पेक्ट, द क्वालिटी ऑफ अर्बनाइजेशन। और इस रिगार्ड में एक और एक चीज़ आपसे इम्पॉर्टेंट थीम है यहाँ पे, दैट एक होती है सेंसस टाउन्स। अब टाउन्स जो होते हैं ना, अर्बन लैंडस्केप, अर्बन एरियाज, उनको में सेंसस टाउन्स होते हैं और एक स्टैचुटरी टाउन होते हैं। सेंसस टाउन का मतलब है जो सेंसस की डेफिनेशन के हिसाब से अर्बनाइज हो चुके हैं, समझ रहे हो, सेंसस के हिसाब से अर्बनाइज हो चुके हैं, पर फिर उनमें एक स्टेट के लॉ से एक अर्बन लोकल बॉडी एस्टैब्लिश नहीं की है, जहाँ पे एस्टैब्लिश की है उसको हम बोलते हैं स्टैचुटरी टाउन्स। सो वी नीड टू लुक इनटू दिस एस्पेक्ट आल्सो फॉर प्लान्ड अर्बनाइजेशन एंड आल्सो टू लुक इनटू दीज इश्यूज, वी नीड टू गिव स्पेशल फोकस।
अब आते हैं द इशू ऑफ ई गवर्नेंस, गोइंग फेसलेस. अच्छा सी, यहाँ पे आप देखो इसको, सभी आरटीओ की सभी सेवाएं घर बैठ के पाए. मतलब हम बात कर रहे हैं ई गवर्नेंस की, आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके कंप्यूटर के थ्रू एक इंटरफेस बन जाएगा, आप गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं अपनी शक्ल दिखाए बिना. मतलब आपको मिलने की ज़रूरत नहीं है, तो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन कम, जितना हो सके कम कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं. अब बात आती है कि ऑब्वियसली इनके ऊपर तो क्वेश्चन आएगा नहीं, क्वेश्चन अगर आएगा तो ई गवर्नेंस की थीम के ऊपर आएगा. जैसे कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सप्लेन हाउ ई गवर्नेंस कैन फैसिलिटेट इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस एंड ब्रिंग सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया. या कुछ ऐसा भी हो सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई गवर्नेंस, लिस्ट सर्टेन मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ ई गवर्नेंस. ठीक है, कैसे भी एक क्वेश्चन आ सकता है. अच्छा, अब ई गवर्नेंस की हम बात क्यों कर रहे हैं, या अरविंद केजरीवाल क्यों बात कर रहे हैं. ई गवर्नेंस विल प्रोवाइड कन्वीनियंस. आप इमेजिन करो, आप मोटर लाइसेंसिंग ऑफिस आरटीओ या कहीं जा रहे हो, कन्वीनियंट नहीं है आपको अपना काम छोड़ के आप वहाँ जाओगे, यहाँ आपने घर पे लॉग इन किया और काम हो गया आपका. अच्छा, आप जब वहाँ जाते हो ह्यूमन टू फेस इंट्रैक्शन होती है, तो करप्शन का चांस हो जाता है ना. तो एक तो ये है. अब जब हम सब कुछ ई गवर्नेंस के फॉर्म में करेंगे तो डिजिटाइजेशन होगी, तो डिजिटल होगा तो सबका एक टाइम भी लग जाएगा, इस टाइम पे ये होना है, इस टाइम पे ये होना है. तो डिजिटाइजेशन से द गवर्नमेंट विल ऑल्सो, गवर्नेंस विल इम्प्रूव, और हमें वी विल बी एबल टू क्रिएट अ मोर एफिशिएंट, हमें ज़्यादा मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक स्लोगन था. सो दिस विल हैपन बाय व्हेन वी प्रमोट ई गवर्नेंस. और आज की डेट में ई गवर्नेंस इज मच मोर एक्चुअली. फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में ये बात कर रहे हैं कि इवन ड्राइविंग का जो टेस्ट होता है, कभी कभी कहते हैं कि पैसे नहीं दिए थे तो फेल कर दिया. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि फेशियल रिकॉग्निशन से, जैसे आपके मोबाइल पे होता है, तो फेशियल रिकॉग्निशन से आपको डिटेक्ट कर लेगा. तो विद द एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेशन एंड डिजिटल फील्ड्स, जो भी एप्लीकेशंस हैं उससे ई गवर्नेंस को प्रमोट करेंगे, एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड न्यू एंड न्यू वेज ऑफ डूइंग इट. ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं, आप इनको लिस्ट डाउन कर सकते हैं. ठीक है, आपको मैंने दो क्वेश्चन दे दिए हैं फॉर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. एक्चुअली ये भी एक और एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, दैट इज नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन स्कीम. तो ये एक डिटेल्ड एनालिसिस है, दैट वॉज देयर इन द ओपिनियन सेक्शन. तो आई नो यू आर गोइंग टू फाइंड इट अ बिट डिफिकल्ट टू रीड दिस ऑन द मोबाइल, मेरे को लैपटॉप पे छोटा लग रहा है, बट आई कुडंट हेल्प इट. अच्छा देखो, आपको मैंने बताया था दैट कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, राइट, उन्होंने बोला है दैट वी विल हैव अ नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम इन इंडिया. और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इट विल हेल्प इन, इससे क्या होगा, इससे इट विल हेल्प इन बेटर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, एंड ऑल्सो इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन. तो दैट इज़ द आइडिया ऑफ हैविंग अ नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम. आपके मोबाइल फोन में तो आ ही गए आजकल फेशियल रिकॉग्निशन, राइट. तो ये क्या करेगा, आई मीन व्हाट इज फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, ये क्या करेगा कि इट विल क्रिएट अ फेस प्रिंट. एक होता है फिंगरप्रिंट, सो दिस विल क्रिएट अ फेस प्रिंट, जैसे आपके मोबाइल पे होता है, इररिस्पेक्टिव आपने चश्मे लगाए, आपके दाढ़ी है, आपने पगड़ी पहना है, कुछ भी हो, इट कैन आइडेंटिफाई यू. सो दिस टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वट एवर, इट इज़ एबल टू आइडेंटिफाई यू. तो ये है, एंड इट विल, प्राइमरी काम इसका ये है, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में हेल्प करेगा. अच्छा, अब इसमें इश्यूज़ क्या आते हैं, इसमें इशू ये आता है पहली बात कि इट इज़ नॉट वेरी रिलायबल, एक्यूरेट नहीं है. तो कह रहे हैं कि देर इज 70% चांस कि ये गलत हो सकता है, गलत आदमी को आइडेंटिफाई कर सकता है. अब इस केस में आप सोचो, किसी का रेप चार्ज है, किडनैपिंग मर्डर चार्ज है किसी के ऊपर, और उसको गलत आइडेंटिफाई कर दिया, देर आर बिग सीरियस इम्प्लीकेशंस टू इट. 70% बहुत बड़ा नंबर है गलत होने के लिए. दूसरा कंसर्न ये है दैट इट इज़ बेस्ड ऑन प्री ट्रेंड मॉडल्स.
पहले से ट्रेनिंग देंगे कंप्यूटर को, तो उसके बेसिस पे ये चल रहा है। अब यहाँ पे अगर आप सोचो, ज़्यादातर लोग जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनका फेस रिकॉर्ड होगा, और नॉर्मली ये जो जो जिनका रिकॉर्ड्स है अगर आप देखो, दे आर बिलोंगिंग टू द डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, ज़्यादातर अंडर ट्रायल्स वही है। आप नेट पे चेक करो, ज़्यादातर अंडर ट्रायल्स वही है। तो चांसेस हैं दैट इट विल फर्दर एग्रावेट द सिचुएशन, इट मे लीड टू रेशियल प्रोफाइलिंग, कम्युनिटी वाइज प्रोफाइलिंग ऑफ द पीपल विच इज़ अ नेगेटिव। देन दिस इज़ अ ब्रीच ऑफ द राइट टू प्राइवेसी विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द पुट्टास्वामी जजमेंट। ब्रीच ऑफ प्राइवेसी बिकॉज आपके रिकॉर्ड्स, पर्सनल डिटेल्स आपके सारे स्टोर्ड है इन अ सेंट्रल डेटाबेस। व्हाट इफ इट गेट्स लीक्ड? और क्या अगर वो गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेस कराने के लिए यूज़ होती है, बैंकिंग रिकॉर्ड्स और वट एवर, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं, तो पुट्टास्वामी जजमेंट ने बोला था, अगर हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी देखें कि इज़ इट अ ब्रीच ऑफ राइट टू प्राइवेसी, तो पुट्टास्वामी जजमेंट ने तीन चीज़ों का एक टेस्ट रखा। उन्होंने कहा, पहली चीज़ है कि इज़ इट लेजिटिमेट। अब नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लेजिटिमेट कब होगा? अगर पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है, डिस्कशन सेलिब्रेशन हुए, तो लेजिटिमेसी है। पर ये एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, तो लेजिटिमेसी इज़ अ क्वेश्चन मार्क ओवर हियर, ये यहाँ पे है। अच्छा, इज इट प्रपोर्शनेट एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ एंड इन टर्म्स ऑफ लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट, इज इट प्रपोर्शनेट? आपने सबका डेटाबेस अगर आप रख लोगे फॉर इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम, इट मे बी अ इट इज़ नॉट अ प्रपोर्शनेट थिंग एक्चुअली, क्योंकि आपने सबका रिकॉर्ड रख लिया है। दैट इज़ वॉट दे आर सेइंग, सो इट इज़ नॉट प्रपोर्शनेट, ठीक है? एंड देन इट इज़ ऑल्सो इंक्लूसिव, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल रिकॉर्ड्स को यहाँ पे स्टोर कर लिया गया है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं व्हेन इट कम्स टू नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। नाउ इन दिस केस वी नीड अ डेडिकेटेड लेजिस्लेशन, हमको एक स्पेसिफिक लॉ पास करना चाहिए। इट्स नॉट कि हमें टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, पर हमें प्रॉपर सेफ गार्ड्स प्रोवाइड करने चाहिए सो दैट देर इज अकाउंटेबिलिटी एंड ओवरसाइट। तो वो तब आएगा जब हम एक डेडिकेटेड लॉ पास करेंगे, और इस केस में वी ऑल्सो नीड टू लुक एट दी डेटा प्रोटेक्शन बिल। तो डेटा प्रोटेक्शन बिल अगर आ जाए, जिसमें प्रोविजन है अबाउट प्राइवेसी, राइट, सो दैट विल ऑल्सो एड इन इंश्योरिंग दैट द राइट्स ऑफ द पीपल आर प्रोटेक्टेड। दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं ऑन द इशू ऑफ वैकेंसीज इन द जुडिशियल सिस्टम। हायर जुडिशरी की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी, मतलब लोअर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ये सब, इसमें वैकेंसी, इसमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब एक अच्छे फैक्ट्स यहाँ पे हमको मिल रहे हैं, दैट इज़ इन इंडिया मोर देन 4 out of every 10 पोस्ट ऑफ हाई कोर्ट्स रिमेन वेकेंट एज ऑन August 4th। तो आप बोल सकते हो 25% वैकेंसी इज देयर इन दी हाई कोर्ट्स, ठीक है, ऐसे आप इसको बता सकते हैं। अच्छा, तो ये कुछ एविडेंसेस हैं, यहाँ पे हाई कोर्ट का ब्रेकअप दिया हुआ है। तो यू कैन सी एज अ वैकेंसीज एज अ परसेंटेज ऑफ सैंक्शन स्ट्रेंथ, मतलब बोला कि आप 60 जजेस हो सकते हैं या 20 जजेस हो सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर, तो उसके परसेंटेज वाइज कितनी वैकेंसीज है। तो जितना ऊपर है इस इज़ नॉट गुड, तो ऊपर और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो जितना ऊपर और राइट साइड में जा रहा है उतना ख़राब है। अब इससे क्या होता है, ज़्यादा वैकेंसीज होने से ये होता है कि देर इज़ पेंडेंसी ऑफ केसेस, पेंडेंसी बढ़ती है। वॉट अबाउट पीपल हु वर जिनको हिरासत में ले लिया गया है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है, पर अभी उनका ट्रायल नहीं हुआ है, इमेजिन देयर प्लाइट, राइट? सो अंडर ट्रायल्स आर ऑन द राइज इंडिया के अंदर, सो दिस इज़ अ वेरी बिग सीरियस कंसर्न। कितने लोग तो ऐसे हैं जिस चार्ज के लिए अरेस्ट किया है उससे ज़्यादा वो जेल में रह चुके हैं और अभी तक उनका केस नहीं सुना है, सो अंडर ट्रायल्स, सो दिस इज वन कंसर्न। और एक यहाँ पे अब अगर
एक और एक बात कर ले, इट इंक्रीजेस द बर्डन ऑन द एग्जिस्टिंग जजेस, जो अभी बैठे हुए हैं जजेस उन पे वर्कलोड उनका बढ़ जाता है क्योंकि वैकेंट सीट्स है। ठीक है, ये एक और एक इशू है यहाँ पे। अच्छा, ये अब लॉन्ग टर्म पेंडेंसी के ऊपर है और ये है स्पेंडिंग ऑन जुडिशियल। अब यहाँ पे अगर हम देखें रेकमेंडेड स्ट्रेंथ ऑफ जजेस, ठीक है, तो 120th लॉ कमीशन ने कहा था कि हमारी कंट्री के अंदर जजेस पर 10 लाख पॉपुलेशन, सो देट शुड बी 50, बट हमारी कंट्री में 19.66 है। और ये अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी देखो, ये बहुत कम है, तो हमें इसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है। TS ठाकुर ने कहा था, हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि इसको डबल कर देना चाहिए इस टारगेट को। तो एक चीज़ ये है, और दूसरी बात यहाँ पे हमें देखने वाली ये है दैट पेंडेंसी हो क्यों रही है, वाई पेंडेंसी इज टेकिंग प्लेस। तो देर इज प्रॉब्लम विद द जुडिशियल सिस्टम, देर इज़ ए प्रॉब्लम विद द एक अपॉइंटमेंट्स के लिए एक लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया गया था, तो उसके बारे में आजकल डिस्कशंस चल रही है, थोड़ा कम चल रहा है पर इट इज़ अ थीम बेसिकली। तो ये कुछ टॉपिक्स है हमें आइडेंटिफाई करने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू GS2 वैकेंट सीट्स जस्टिस डिलेट। अब आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। सो बेसिकली ऑन द अफगान इशू, प्रेसिडेंट पुटिन ऑफ रशिया हैज़ टॉक्ड टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पुटिन और इंडिया के कॉमन कंसर्न्स है बेसिकली यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है, इंडिया ने अपनी बोथ वांट्स रीजनल सिक्योरिटी, और दोनों को कंसर्न है कि अफगानिस्तान में मिलिटेंट एक्टिविटीज़ की वजह से दोनों की कंट्रीज़ में रेडिकलाइजेशन होगा, स्पेशली इंडिया के केस में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में भी अफेक्टेड, एंड एज वेल एज रशिया के हिसाब से भी अगर देखो तो इट मे कॉज इंस्टेबिलिटी इन देयर रीजन। तो दोनों कंट्रीज कंसर्न है अबाउट द राइज ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान। अब इस केस में इन्होंने ये भी बात करी है दैट दे हैव टॉक्ड अबाउट द इशू ऑफ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, दे आर अगेंस्ट इट, राइट। दोनों ने दे हैव शोन अ कंसेंसस ओवर हियर। पर अगर हम बाय एंड लार्ज देखें हाउ रशिया एंड इंडिया आर डीलिंग विद दिस इशू, राइट, रशिया और इंडिया, तो हम लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि रशिया और इंडिया थोड़े अलग अलग एक्शंस ले रहे हैं। रशिया, चाइना, पाकिस्तान एक तरह का डिसीजन ले रहे हैं आजकल। एक्चुअली चाइना की चाल बहुत रही है, तो चाइना इज़ एबल टू कंट्रोल रशिया एज वेल एज पाकिस्तान। तो रशिया अलॉन्ग साइड चाइना एंड पाकिस्तान हैव एस्टैब्लिश देयर एम्बेसी, इंडिया ने हटा दी वहाँ से, कहते हम बात नहीं करेंगे तालिबान से, एटलीस्ट ऐसा चल रहा है अभी। सो चाइना एंड रशिया अलॉन्ग विद पाकिस्तान आर अमंग फ्यू कंट्रीज दैट कंटिन्यू टू कीप देयर एम्बेसीज ओपन इन अफगानिस्तान, इन कॉन्ट्रास्ट टू इंडिया। देन डिप्लोमैटिक प्रेजेंस इन काबुल एंड हैव होस्टेड डेलीगेशंस ऑन अ नंबर ऑफ ओकेशंस, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट रशिया एंड चाइना। तो एक ये बात है। अब अगर हम इसको एक ब्रॉडर पिक्चर में देखें, नॉट जस्ट अफगानिस्तान, हम ये देख रहे हैं, अगर हम सिर्फ इंडिया और रशिया की बात करें यहाँ पर, तो हम देख रहे हैं कि रशिया और इंडिया बायलैटरली बातें कर रहे हैं आपस में, दे आर नेगोशिएटिंग, एट द सेम टाइम दे आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल मल्टीलैटरली ऑल्सो दे वॉन्ट टू कोऑपरेट इट, सच एज रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्या रिफॉर्म है वो? इंडिया का प्रेजेंस इन एज अ परमानेंट मेंबर, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसर्न्स फॉर इंडिया। फिर ब्रिक्स इज वन मोर, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। इनफैक्ट ब्रिक्स का एक समिट होने वाला है नेक्स्ट मंथ, ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, तब करेंगे ब्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिलिम्स के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। अब रशिया और इंडिया, रशिया आपको पता होगा काफ़ी मिलिट्री पावर है, और रशिया वांट्स टू सेल इट्स S-400 मिसाइल टू इंडिया। S-400 बेसिकली एक एयर डिफेंस मिसाइल है, एयर डिफेंस समझते हो, एयरपोर्ट आपके जो मतलब एयरपोर्ट से या एयरफील्ड से, वहाँ से अगर कोई प्लेन, मतलब कोई फॉरेन कंट्री का, चाइना का प्लेन आ रहा है इंडिया के अंदर, सो दैट S-400 मिसाइल ऑटोमेटिकली विल फायर देयर प्लेन्स चाइना में आते हुए। इनफैक्ट चाइना ने इंडिया के अगेंस्ट प्लांट किए हुए है, तो ये काफ़ी एक एडवांस मिसाइल है। अब हमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि ऑल्दो वी हैव कमिटेड टू रशिया,
यूनाइटेड स्टेट्स हमें मना कर रहे हैं ऐसा करने से, ये प्रॉब्लम आ रही है. सो थ्रेट ऑफ US सैंक्शंस अंडर काट्सा काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट. तो US ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रखा है जिसकी वजह से हमें एक्चुअली उनसे नहीं डील करना चाहिए. एंड गिवन दैट इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं तो हम उसको हैम्पर कर सकते हैं, बट इवन देन वी आर गोइंग अहेड विद दिस डील. अच्छा, S-400 मिसाइल के बारे में एक और एक चीज़, इट इज़ अ सर्फेस टू एयर मिसाइल. लॉजिकल सी बात है, एयरफील्ड से मतलब ग्राउंड से अटैक कर रहा है ऑन अ फाइटर प्लेन, राइट? तो फाइटर प्लेन को अटैक करेगा. एंड ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब बैलिस्टिक मतलब ऐसे ही जाएगी सीधा टारगेट को हिट करके, इट विल गो अ पैराबोलिक पाथ. ये नहीं कि टारगेट को ऐसे चेस करेगा क्रूज मिसाइल की तरह, वैसे नहीं है. तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा. हम आते हैं प्रीलिम्स के लिए. तो साहित्य अकेडमी अवार्ड्स वर ग्रांटेड रिसेंटली, तो मिस्टर पिल्ले एंड मिश्रा को मिला था. तो साहित्य अकेडमी अवार्ड्स, राइट, यहाँ पे हम थोड़ा नेट से विकिपीडिया से थोड़ा सा मैंने लिए. सो इट इज़ अ लिटररी ऑनर, मतलब बुक्स के लिए राइटिंग के लिए अवार्ड दिया जाता है. अब लॉजिकल सी बात है कि इट विल बी गिवन फॉर रीजनल लैंग्वेजेस, यहाँ पे फॉर वर्क्स ऑफ ओडिया एंड मलयालम लैंग्वेज के लिए दिया है. बट इम्पॉर्टेंट थिंग ये याद रखने वाली है दैट वर्क इन इंग्लिश इज ऑल्सो गिवन. ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज बाकी लैंग्वेजेस तो होंगी होंगी, पर इंग्लिश इज ऑल्सो इंक्लूडेड. ठीक है, सो 22 लिस्टेड लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसमें अचीवमेंट्स के लिए जो बुक्स लिखी है, नॉवेल्स लिखी है, पोएम्स लिखी है, उसके लिए ये साहित्य अकेडमी अवार्ड्स दिया जाता है. सो मिस मिश्रा हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर अ वर्क समुद्रकुला घरा एंड मिस्टर पिल्ले फॉर हिज वर्क अक्समिकम ओम चरियुते ओर्माकुरी पुकल. ठीक है, इन वर्क्स के लिए इनको अवार्ड दिया गया है. अब ये अवार्ड में होता क्या है, इट कंटेन्स अ कैस्केट कंटेनिंग एन इंग्रेव्ड कॉपर प्लेक. ये आपको याद रखना पड़ेगा, देर इज नो अदर वे, कॉपर प्लेक एंड अ चेक ऑफ 1 lakh rupees फॉर अ फॉर्मल सेरेमनी. एक फॉर्मल सेरेमनी में 1 lakh rupees दिए जाते हैं. तो ये सब था हमारे आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस, हिंदू एनालिसिस. ठीक है, सो यू आर वॉचिंग प्रेप IAS विद मी शुभाशीष सिंह हरिहर. बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट.